about noun and its types, and today my topic is noun its gender. First of all, we should know what gender is. Gender denotes under which category the noun comes. Gender हमें ये बताता है कि जो noun है वो किस category में आता है, male है कि female है, living thing है non living thing, क्या है, हमें इसके बारे में gender बताता है. यहाँ पर देखें आप लोग टाइप्स ऑफ जेंडर. जेंडर तो आसानी समझ में आ गया, उसकी इतनी जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी था इसलिए बता दिया है. अब यहाँ पर आप ध्यान दें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें, टाइप्स ऑफ जेंडर. जेंडर के कितने टाइप होते हैं, तो बेसिकली आप लोग किताबों में चार टाइप के पढ़ते हैं, लेकिन एक मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है जो कि पोएट्री में काम आ जाती है. पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूट्रल जेंडर. पहले चार के बारे में डिस्कस करते हैं फिर उसको बताते हैं. मैस्कुलिन जेंडर क्या है, वो जेंडर जो हमें मेल के बारे में बताता है कि कौन सा नाम मेल की कैटेगरी में आता है, वो आपका मैस्कुलिन जेंडर में आता है. और दूसरा है वो जेंडर जो हमें ये बताता है कि कौन कौन से नाम फीमेल कैटेगरी में आते हैं, उस जेंडर को हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर. और जो एक ऐसा भी जेंडर आता है जो हमें ये नहीं कंफर्म करा पाता है कि वो मेल है कि फीमेल है, यानी दोनों में हम यूज़ कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर. यहाँ पर आप एग्जांपल से बिल्कुल आसान समझ जाएंगे. यहाँ पर देखें फादर, तो सब आम बात बोलचाल में सब लोग जानते हैं ये कि फादर किस कैटेगरी में आते हैं. अनपढ़ लोग बता सकते हैं कि फादर जो है वो मेल कैटेगरी में आते हैं और मदर ये फीमेल कैटेगरी में आते हैं. अच्छा, फादर और मदर ये दोनों पता चल गया. अब जैसे मैंने पेरेंट कहा, तो पेरेंट किसे कहते हैं, पेरेंट मदर को भी कहते हैं और पेरेंट फादर को भी कहते हैं. या फिर पेरेंट से पता नहीं चल रहा है कि हम फादर को कह रहे हैं कि मदर को कह रहे हैं, मेल को कह रहे हैं कि फीमेल को कह रहे हैं, तो ये जो दोनों में आता है इसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर. इसी प्रकार से ब्रदर, ब्रदर ही कभी ना कभी किसी का फादर बनता है, जाहिर सी बात है, तो ब्रदर भी मेल जेंडर में आता है, यानी कि ये मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा. उसका अपोजिट जो है सिस्टर, ये फीमेल जेंडर में आता है, ये कभी ना कभी जाके मदर बनती है, कभी डॉटर भी थी, ऐसे था. तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो सिस्टर है ये फीमेल में आता है, तो ये आपका हो जाएगा फेमिनिन जेंडर. और जैसे ही कहा सिबलिंग, तो सिबलिंग का पता नहीं चल रहा है कि मैंने ब्रदर को कहा है कि सिस्टर को कहा है, दोनों को सिबलिंग कहा जाता है. अगर दोनों साथ में तो उसका प्लूरल बनाकर सिबलिंग्स कर देते हैं, तो सिबलिंग्स ये नहीं पता चला कि मैं ब्रदर को कह रहा हूँ कि सिस्टर को कह रहा हूँ, तो इससे ये जब कंफर्म नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये कॉमन जेंडर में आएगा, यानी हम इसको मेल को भी कह सकते हैं और फीमेल को भी कह सकते हैं. अब यहाँ पर देखें हस्बैंड जो है, जो ब्रदर ने बताया है, ब्रदर ही कभी हस्बैंड बनेगा और इसके बाद वो फादर बनेगा, तो हस्बैंड जो है वो मेल में आ जाता है. इसी के जो मतलब साथ में आ जाते हैं, जो मतलब इनकी अर्धांगिनी कहलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाइफ, यानी वाइफ जो है वो फीमेल में आ जाएगी. अब इन दोनों को कह दिया हस्बैंड मैस्कुलिन, वाइफ फेमिनिन, और जैसे मैंने स्पाउस कह दिया, तो स्पाउस हस्बैंड को भी बोलते हैं और वाइफ को भी बोलते हैं. तो चूंकि इससे कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि मैं हस्बैंड के बारे में बात कर रहा हूँ कि वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों जेंडर में आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर. इसी प्रकार आप देख सकते हैं बॉय जो है लड़का मेल में आता है, आम बात है ये सब जानते हैं. गर्ल लड़की, इसी का दूसरा जेंडर फेमिनिन में आता है. और जैसे चाइल्ड कहा, तो चाइल्ड से पता नहीं चलता है कि मैं बॉय को कहा है कि गर्ल को मैंने कहा है, यानी कि चाइल्ड हम मेल को भी कह सकते हैं और फीमेल को भी कह सकते हैं, इससे किसी भी सेक्स का पता नहीं चल रहा है, किसी जेंडर का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर. इसी प्रकार कुछ पद हैं जो हम लोग नौकरी करते हैं या किसी चीज़ का मतलब कोई भी पद हो वो भी आ जाता है. जैसे टीचर है, तो टीचर मैम को भी बोला जाता है, सर को भी बोला जाता है. डॉक्टर जो है ये दोनों होते हैं, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं. इस सबसे हमें जेंडर का पता नहीं चल रहा है, किसी भी सेक्स का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉमन जेंडर. और तीसरा जो है, चौथा जो है न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर उस जेंडर को पाया जाता है जो कि नॉन लिविंग थिंग होता है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिस पर जान नहीं पाई जाती है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रीक
ग्रीन बोर्ड जो कि आपके सामने है, क्या इसमें जान पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। तो चूंकि इसमें जान नहीं पाई जाती है, ये किस में आएगा? न्यूट्रल जेंडर में। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं चाक, जिस कलर से मैंने लिखा है, चाक से लिखा है, ये भी निर्जीव वस्तु है, ये भी न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आएंगे। अब तीसरा जो लिखा मैंने डस्टर, जिससे मैं ये रिमूव करता हूँ इसके डस्ट को, यह भी नॉन लिविंग होता है, इसलिए न्यूट्रल में आएगा। इसी प्रकार बुक है, बुक ले लीजिए, बेंच है, टेबल है, जो भी चीज़ ले लीजिए, आपके लिए उपयोगी जितनी भी वस्तु जो निर्जीव है, सब के सब न्यूट्रल जेंडर में आएगा। और लास्ट जो है मेटाफोरिक जेंडर, मेटाफोरिक जेंडर मेटाफर से बना है, जो कि पोएट्री में यूज किया जाता है। हालांकि ये नॉन लिविंग होता है, ये न्यूट्रल में आना चाहिए, लेकिन पोएट जो होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, उसको वो क्या कहते हैं, मेल या फीमेल की कैटेगरी में दर्शा देते हैं। जैसे मून का प्रयोग कर दिया तो उसमें शी लगाए बैठे हैं, और सन का प्रयोग किया तो ही लगाए बैठे, तो ही शी कहाँ लगता है? मेल फीमेल में लगता है, सही बात है, तो हम उसके कैटेगरी में रख देते हैं पोएट के अनुसार। तो देखो, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, इन तीनों में इन्होंने बांट दिया है। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? जो कि हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, किसमें शक्ति है, किसमें ताकत है, वो दिखाता है। और ये हमारे लिए जो मतलब ऐसे कंडीशन बना देता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, हम लोग उससे भागने की कोशिश करते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं। जैसे कह दिया सन, सूरज। अब सूरज अगर तेज चमकने लगे तो क्या हम भागेंगे? भी बहुत धूप लगती तो बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार टाइम, टाइम देखो धीरे धीरे हमको बूढ़ा बना देता है, इसके बाद हम सोचते भी कि अगर हम फिर से जवान हो जाए तो नहीं हो पाते हैं, ये टाइम जो है वो कट जाता है धीरे धीरे। तो ये भी हमें, अगर हम टाइम के बारे में सोचें तो हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये भी मस्तिष्क में आएगा। इसी प्रकार डेथ, डेथ जो है ऐसी चीज़ है, लोग डेथ को नहीं चाहते कि मुझे मौत हो जाए, तो ये जो है ये भी हमारे लिए बेहतर नहीं है, हम लोग इसको नहीं चाहते हैं, तो ये भी मैस्कुलिन में आएगा। वह युद्ध, युद्ध में नुकसान ही नुकसान है, किसी का फायदा नहीं होता है, ये भी हमें फायदेमंद नहीं लग रहा है, या हमारे लिए जो है क्या कहते हैं बुरे कंडीशन को दर्शाता है, तो भी आपका आ जाएगा मैस्कुलिन जेंडर में। इसी प्रकार विंटर, ठंडक, ठंडक इतना ज़्यादा परेशान करता है, आप लोग जानते हैं कि जिनके पास रहने को घर नहीं है वो कैसे अपनी ठंडक को काटते हैं, बहुत परेशान करता है। बल्कि वो तो वही है, अमीर लोग भी परेशान होते हैं, कहीं जाना हुआ ठंडक लग गई तो परेशान करें क्या, कोई और चीज़ हो तो कहीं छिप जाए कुछ भी कर ले, लेकिन ठंडक भी नहीं हो पाता, तो ये परेशान करने वाली चीज़ है, वो भी मैस्कुलिन में आएगा। इसी प्रकार समर, गर्मी, गर्मी भी परेशान करती है, तो वो भी आपका मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। जबकि दूसरे जगह जब फेमिनिन आता है तो बहुत कोमल चीज़ है, जो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपने यहाँ पर ध्यान दिया है सन, सूरज, सूरज में सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर चांद निकल आता है तब तो चांद से कोई हमें दिक्कत तो होती नहीं है, बल्कि रात को अंधेरा होता है तो जलता है तो हमें सुविधा देता है, हमें अच्छा लगता है। तो चूंकि अच्छा लगता है वो इसमें आ जाएगा फेमिनिन में, यानी कि रोमांटिक मूड जो बना रहता है वो फेमिनिन में आ जाता है। अर्थ, अर्थ जमीन जो है, जमीन के हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, और जमीन तो सब चाहते, जाहिर सी बात है, वो भी फेमिनिन में आएगा। नेचर, सुंदरता को देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, कि वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, उसके ब्यूटी को देखने के लिए लोग ऊपर तक चले जाते हैं, तो ये भी चूंकि हमारे लिए फायदेमंद है, ये भी आ जाएगा आपका फेमिनिन जेंडर में। इसी प्रकार शिप और कार को भी इसी के अंडर में रखा गया है, ये बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम में यूज़ किया जाता है, तो आप इसका ज़्यादा फोकस कीजिए। लोग शिप देखते हैं, कहते हैं कि तो जहाज की बात हो रही है, ये तो नॉन लिविंग न्यूट्रल में लगा देते हैं, लेकिन वो आएगा आपके सामने जब फेमिनिन आएगा, तो आपको न्यूट्रल नहीं लगाना है बल्कि आपको फेमिनिन लगाना है। इसी प्रकार शिप और कार भी है। अब तीसरा जो आता है, तीसरा जो है, अब बताओ इसमें न्यूट्रल में क्या नॉन लिविंग थीम, इसमें लिविंग थीम भी आ जाता है, बस फर्क ये होता है कि इसमें सेक्स का पता नहीं चलता है कि कौन है। छोटी चीज़ें होती हैं जो मतलब क्या कहते हैं स्मॉल थिंग्स, वो इसमें आती है। जैसे यहाँ पे कह दिया क्या कहते हैं बेबी, अब बेबी मैंने किसको कहा, बेबी तो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, छोटा बच्चा है तो उसका सेक्स नहीं पता चल रहा बेबी से, तो वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार एंट, एंट मैंने चीटी, अब एंट का चीटा का कहाँ ढूंढेंगे, एंट जो है ये एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट का प्रयोग कभी लोग जो है वाइट लोग जो है वो हमेशा न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, क्योंकि इसका भी सेक्स पता नहीं चलता। क्रो, कौवा, ये भी नहीं पता चलता कि किस उसमें आते हैं, क्योंकि ये भी एक चिड़िया है, तो इसका भी हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसके आगे जो भी चीज़ हम बताएंगे आपके लिए इतने बेनिफिट देगा, इतना बेनिफिशियल रहेगा कि चुटकी में आप कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम को निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, गेट आउट।